मेरा नाम कुलदीप योगी है, मैं 17 बैच से इंटर्न हूँ, सबसे टॉप सीनियर यहाँ में। अभी हमारे डायरेक्टर सर से बात हुई है, हमें 5 बच्चों के 5 क्लास रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था, उन्होंने 5 बच्चों को धमकियाँ दी हैं कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तुम 5 को फेल किया जाएगा, तुम्हारे पुलिस के खिलाफ तुम्हारी कार्रवाई की जाएगी। और उनका डायरेक्ट कहने का मतलब यह है कि तुम यहाँ से उठ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। हमसे 9 दिन हो गए, 1 तारीख से बैठे हैं यहाँ पे, हमारे जूनियर्स हैं ये, 20-21 बैच के बच्चे भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं, कोई इनकी सुन नहीं रहा है। पहले हमें विश्वास था कि हमारा प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक हमारा साथ देगा, लेकिन वो भी आज हमारे खिलाफ है। कॉलेज प्रशासन भी नहीं चाहता कि हमारे साथ कुछ सही हो, वो भी हमारे खिलाफ है। डायरेक्टर सर ने डायरेक्ट कहा है कि या तो आप यहाँ से उठ जाओ, नहीं 2 बजे आपको यहाँ से घसीट के उठाया जाएगा। तो कहेंगे नहीं, छात्र एकता जिंदाबाद है, रहेगी, हम यही हैं, चाहे जिए या मरे हम साथ हैं, सारे बैचेज साथ हैं, 17, 18, 19 जितने भी है सारे सीनियर साथ हैं, डरने की बात नहीं है, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम बॉन्ड पॉलिसी, हम यही चाहते हैं सरकार से कि सरकार बॉन्ड पॉलिसी वापस ले, क्योंकि बॉन्ड पॉलिसी में जो सरकार ने जो प्रावधान रखे हैं वो स्टूडेंट्स के और आम जनता के हित में नहीं है। आज आपको डराया धमका गया, किनके द्वारा डराया धमका गया? अभी हमारी डायरेक्टर सर के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें डायरेक्टर सर ने प्रोटेस्ट साइट को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम प्रोटेस्ट को बंद करें और इस स्ट्राइक को बंद करें और साइट को जल्दी से जल्दी वैकेट करें, हमें ये बोला गया। आपकी क्या रणनीति? हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, हम स्ट्राइक को, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम बोर्ड पॉलिसी हटा कर ही हटें। जी, मेरा नाम विनय चौधरी है, मैं 20 बैच MBBS का छात्र हूँ। कितने? ये 1 नवम्बर से हमारी स्ट्राइक जारी है, बहुत ही पीसफुल तरीके से हम स्ट्राइक कर रहे हैं, और सर हमारी मांगे यही है बॉन्ड पॉलिसी वापस ले हरियाणा सरकार। साथ में हमारी ये मांग है, जो पुलिस कार्रवाई हुई है हमारे साथियों पे रोहतक में, उसके ऊपर भी हरियाणा सरकार स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले। पॉलिसी को लेकर क्या कोई अधिकारी से बातचीत हो गई है? सर, पॉलिसी को लेकर CM से भी मीटिंग हुई है, वो सर आश्वासन देते हैं, तुम बेटा बैठो तो तुम करो तो बेरोजगार रहोगे तो बॉन्ड नहीं होगा, हम तुम्हें नौकरियाँ दिलवाएंगे। लेकिन सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1252 पद निकले हैं 2 साल में, 7000 एप्लीकेंट हैं, इनके पास वैकेंसी नहीं है। अगर इनको हमें नौकरी देनी है, हमें लिखित में प्रावधान दें, नौकरी करने को हम तैयार हैं। क्या चाहते हैं फिलहाल अब आप? सर, हम चाहते हैं बॉन्ड पॉलिसी वापस हो। कितने छात्र हैं जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? सर, यहाँ पर हमारे कॉलेज में तकरीबन 500-600 छात्र बैठे हैं, ऐसे ही सर रोहतक में हमारे पास 1300-1400 छात्र बैठे हैं, कल्पना चावला करनाल में 500-600 छात्र हैं, और BPS